टोक्यो पैरालंपिक का दूसरा दिन आज 163 देशों के करीब 4,500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। 5 सितंबर तक चलेगा टोक्यो पैरालंपिक। तालिबान का पाकिस्तान प्रेम हुआ जग जाहिर। तालिबान ने अफगानिस्तान के हथियारों को पाकिस्तान भेजा, इस बात का खुलासा भारतीय सैन्य अधिकारियों ने किया। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान आया सामने, कहा 31 अगस्त तक अमेरिकी जवानों को वापस बुलाया जाए, अफगान लोगों को देश छोड़ने के लिए ना कहे अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नहीं मना पाए G7 के नेता। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकासी की समय सीमा बढ़ाने का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रायगढ़ के महार कोर्ट से मिली जमानत। जमानत देते समय कोर्ट ने रखी कुछ शर्तें, 31 अगस्त को पूछताछ के लिए होना होगा पेश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज स्थगित। श्रीलंका में होनी थी 3 मैचों की वनडे सीरीज, दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने आपसी सहमति से लिया फैसला। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक करेंगे पीएम। विदेश मंत्रालय विपक्ष के सवालों का देगा जवाब। सितंबर से फिर शुरू होगी एयर इंडिया की फ्लाइट। इंदौर से दुबई के बीच सीधी उड़ान की जाएगी शुरू, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया ज्ञापन, कोरोना महामारी के मद्देनजर उठाए सख्त कदम। अफगान से लाए जा रहे लोगों को भेजा ITBP कैंप, 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 70 आपराधिक मामले वापस लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस लिया गया।